हेलो दोस्तों, त्योहारी का सीजन चल रहा है और खीर ना बने ऐसा हो नहीं सकता, तो मैं आज आपको खीर की रेसिपी शेयर करूंगी। तो चलिए देखते हैं, शरद पूर्णिमा में मैंने खीर बनाया था क्योंकि शरद पूर्णिमा में खीर का स्पेशली विधान है। तो देखिए, इसके लिए मैंने 1.5 लीटर दूध लिया है, ये मेरा 1.5 लीटर है। और 1.5 लीटर दूध में मैं 100 ग्राम चावल ली हूँ, यह स्पेशल खीर का चावल है। तो जी ये होता है, ये बहुत महीन दाने वाले होते हैं और ये बहुत ही अच्छा खुशबू इसमें आता है और ये बहुत जल्दी पक भी जाता है। तो ये चावल स्पेशल होती है, तो इसको हम भिगो के छोड़ देंगे। जब तक हमारा दूध बॉयल होगा तब तक वो हम इसे भिगो के भी छोड़ देंगे, और जैसे ही दूध बॉयल हो जाएगा हम उसमें उसको ऐड कर देंगे और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और इसको हमें अच्छी तरह से चला देना है। तो देखिए, जैसे ही थोड़ा सा उबाल आ जाएगा हम उसमें इलायची, फ्लेवर के लिए इलायची डाल देंगे। आप पाउडर इलायची का भी यूज कर सकते हैं और आप चाहे तो खड़ी इलायची भी इसमें डाल सकते हैं, उसके छिलके उतार के थोड़ी सी क्रश करके। तो बस अब देखिए, इसमें बॉयल आना शुरू हो गया है और चावल भी पक चुका है। तो बस अब इसमें जो जो आपको डालना है मेवे में, तो वो आप डाल सकते हैं। तो देखिए, मैं काजू, बादाम, किशमिश डाल रही हूँ। ड्राई फ्रूट्स की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं और जो पसंद हो उसको ज़्यादा डाल सकते हैं। तो देखिए, मैंने सब कुछ डाल दिया और हमें इसे अच्छी तरह बॉयल करना है। देखिए कितने अच्छे इसमें बॉयल आ चुका है और ये लगभग मिक्स हो चुका है। तो देखिए, इसमें चीनी डाल दे रहे, चीनी आप जितना मीठा पसंद करते हो चीनी उस अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। तो मैंने जितनी कटोरी में चावल ली थी उतनी मैंने चीनी डाली है। और देखिए, ये पूरी अच्छी तरह से पक चुका है। बस अब हम इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे और इसको सर्व करेंगे। तो देखिए, मैंने कटोरी में सर्व कर दिया है, कितनी टेस्टी लजीज लग रही है। तो ये तो मेरा खीर रेडी हो चुका है। अगर आपको मेरी सिंपल रेसिपीज पसंद आते हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, इसमें कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही अच्छी वीडियो के साथ